UET TAXILA, and this right here is the Department of Environmental Engineering where I study. So last Friday I was invited at the department's orientation for 2K19 session. अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जब कोई नया बैच आता है ना तो हर बैच की दो ओरिएंटेशंस होती हैं, एक ओरिएंटेशन जो यूनिवर्सिटी करवाती है और दूसरी ओरिएंटेशन जो वो डिपार्टमेंट करवाता है। अब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट के जो जूनियर्स 2K19 सेशन में आए उनकी ओरिएंटेशन जो यूनिवर्सिटी वाली होनी थी वो हो चुकी थी, मगर अब डिपार्टमेंटल लेवल पर जो ओरिएंटेशन होनी थी उसमें आपका भाई एज ए गेस्ट ब्लॉगर गया था। वो ओरिएंटेशन करवाई सी ने थी, SEE UET TAXILA, द सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स। तो यार ये जो ओरिएंटेशन थी ये 19 सेशन से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें एक तो आपका भाई एज अ गेस्ट व्लॉगर गया था और दूसरा इसमें वॉच टावर प्ले होना था। वॉच टावर, अपना वॉच टावर याद तो होगा आपको। खैर नंबर वन, अब इस ओरिएंटेशन में जाने के लिए मैं कोई ख़ास तैयारी नहीं कर पाया था। मुझे इनवाइट किया था सी के फोकल पर्सन मोहित ने। एक्चुअली ये सोसाइटी मेरी डिपार्टमेंट की सोसाइटी है और इसके पायनियर्स भी हमारा बैच है, तो इसमें जाना ज़्यादा ज़रूरी था। और अब मेरा सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहले था अब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मसरूफियात की जैसे सोसाइटी को टाइम नहीं दे सकता। मगर अब भाई बुलाएं और आपका भाई ना जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए मैं पिछले जुम्मे गया सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की जानिब से ऑर्गेनाइज करवाई हुई ओरिएंटेशन सेशन फॉर 2K19 और वहाँ पे मामला हैवी हो गए थे। तो यार जैसे सबको ही पता है किसी भी इवेंट का आगाज़ तिलावत कुरान और फिर नात रसूल मकबूल से होता है, तो इसका भी आगाज़ इसी तरह हुआ। उसके बाद डिपार्टमेंट की फोकल पर्सन मैम सादिया फिदा वाज इनवाइटेड टू गिव ए प्रेजेंटेशन अबाउट द डिपार्टमेंट्स हिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिपार्टमेंट अबाउट एंड एवरीथिंग एल्स दैट हैज़ टू बी कवर्ड इन दिस ओरिएंटेशन। और फिर टाइम आया अपना द वॉच टावर। अब खुशियां देख रहे हैं लड़के की, तो बस वॉच टावर के प्ले होने की देर थी एंड माय हार्ट बीट वाज लाइक 105, 106, 107, मतलब नॉर्मल से बहुत ऊपर थी, क्योंकि भाई सामने वॉच टावर प्ले हो रहा था, ऑडियंस बैठी थी और वहाँ पे मैं व्लॉग कर रहा था, तो खुशी तो होती है। वॉच टावर पहले भी एक जगह प्ले हो चुका है, मैं उस जगह अवेलेबल नहीं था उस टाइम, लेकिन अब चूंकि इस ओरिएंटेशन में मैं खुद अवेलेबल था और वॉच टावर प्ले हो रहा था, तो भाई दिल की धड़कन ना ये यहाँ से यहाँ थी। पाजी क्या सीन, अपना टाइम आएगा? आएगा नहीं पगले, आ गया। ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕੋਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ।
तो यार वॉच टावर प्ले होने के बाद एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद आपके भाई के तो खुशियां अरूज पे थी ना, मतलब मामलात बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे। तो यार जब वॉच टावर ख़त्म हो गया तो सी के जीएस जनरल सेक्रेटरी ने सात दानियाल ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए। सात दानियाल आवर वेरी ओन, वेरी चार्मिंग, वेरी लवली, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम सात दानियाल। तो ये उसने मुझे कहा नहीं है कि मेरी इतनी तारीफ़ें करो, मगर वो है तो बता रहा हूँ ना, तो इसलिए उसने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए। और उसके बाद किसी भी इवेंट को कंक्लूड करने के लिए एक ग्रुप फ़ोटो तो लाजमी होती है, तो ग्रुप फ़ोटो हुई एंड देन द ओरिएंटेशन वाज ओवर। तो यार आई एम हियर कंक्लूडिंग माय व्लॉग एंड आई वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आउट देयर हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर यूनिवर्सिटी लाइफ। तो यार ऑल द बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। This field is one of the most important, one of the best fields to choose in this era. And being an environmentalist, I would like to congratulate you all for your admission in this university. And just rock the world, guys. Just rock the world. So that's it from so that's it from the orientation vlog. And I'll be back soon with another episode of GSK vlogs. तो मेरे ख्याल से वो भी ओरिएंटेशन नहीं होगी, मगर खैर आई वुड प्रेफर के ना हो, तो क्योंकि एक चीज़ का ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना। और आई डोंट नो, तो ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था किसी भी इवेंट पे व्लॉग बनाने का, तो आई नो दिस विल नॉट बी नियर टू गुड, लेकिन यार अगर आप लोगों की दुआएं साथ होंगी तो इंशाल्लाह यहाँ से यहाँ ज़रूर पहुँचेगा आपका भाई। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़। GSK व्लॉग्स साइनिंग आउट।